आज भी दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में खाने की चीजों और उनके असर को लेकर शोध जारी है। अलग अलग समुदायों में अलग अलग चीजों को और कुछ चीजों को खाने के लिए वर्जित माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक समाज में किसी चीज को बेहद चाव से खाया जाता है तो वहीं दूसरे समाज में उसी चीज को खाना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे इन चीजों के इंसानी शरीर और मन पर पड़ने वाले असर को जिम्मेदार माना गया है। बीते कुछ सालों में हुए शोध में वैज्ञानिकों ने कई ऐसी चीजों का पता लगाया है जिनके खाने से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर आज हम आपको ऐसी ही 5 चीजों का जिक्र कर उनके बारे में बताएंगे जिन्हें खाने से आपकी जान भी जा सकती है। पहले नंबर पर है पफर मछली। ये एक ऐसी मछली है जिसे साइनाइड जहर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक जहर होता है जो अपने तेज गति से फैलने के लिए जाना जाता है। हालांकि इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी इस मछली से बनी फुगु डिश जापान में काफी लोकप्रिय है। दूसरे नंबर पर है कासु मार्जु चीज। खाने की इस चीज के बारे में सुनकर ही आपका जी खराब हो सकता है। दरअसल इसे कासु मार्जु चीज कहते हैं। ये इटली में काफी पॉपुलर है। इसे बनाते हुए इसमें उड़ने वाले कीड़ों का लार्वा डाला जाता है। कुछ समय के बाद ये छोटे छोटे कीड़े चीजों को मुलायम बना देते हैं। ऐसी स्थिति में इसे खाने से पेट खराब होने, उल्टी होने और डायरिया होने की आशंका रहती है। तीसरे नंबर पर है रुबाब। ब्रिटेनी पकवानों में इस्तेमाल होने वाली रुबाब को भी काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन इसे लेकर लोगों में बहस अब भी जारी है कि ये कितना जहरीला है। दरअसल रुबाब के साथ लगी पत्तियों में ऑक्सलिक एसिड होता है जिससे आपकी किडनी में पथरी बन सकती है, लेकिन रुबाब के साथ लगी पत्तियों में इस एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। चौथे नंबर पर है लाल सोयाबीन। ये एक आम धारणा है कि बीन्स स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीन्स भी होते हैं जिनको खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। लाल बीन और सोयाबीन ऐसे ही बीन होती हैं। इन बीनों में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं। इससे वसा को पचाने की स्थिति में उल्टी और पेट दर्द भी हो सकता है। पांचवें नंबर पर है जायफल। ये प्रसिद्ध मसाला इंडोनेशिया में पाए जाने वाले पेड़ से आता है। ये कुछ खास बिस्कुटों को बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है। इसके अलावा इसे आलू, मांस और सब्जी के साथ साथ कुछ पेय पदार्थ बनाने के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो इससे जी मिचलाना, दर्द, सांस में दिक्कत होना और मानसिक दौरे आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको इन 5 चीजों से बचकर रहने की जरूरत है। अपने खाने में इन 5 चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल आपकी जान भी ले सकता है।